गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और अभी मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ किचन से। आज मैं बना रही हूँ आलू और पालक की पकौड़ियाँ। तो अभी मैं पकौड़ी बना रही हूँ और पति देव भी यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं। और बाहर अच्छी सी मस्त वाली धूप आ रखी है और हमारे घर पे तो ठीक 7 बजे ही धूप आ जाती है। तो अभी मैं दिखाती हूँ मेरे पति क्या कर रहे हैं। और मैंने वहाँ पे कढ़ाई भी रख दी है, तेल गर्म हो रहा है, तब मैं आपके साथ गप्पे लगा रही हूँ। ये देख सकते हो मेरे पति यहाँ पे अखरोट फोड़ रहे हैं और इनको फोड़ के मतलब इसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे तो अलग निकाल रहे हैं। देख सकते हो, दिखाना जरा वो पन्नी अखरोट की। ये देखो इतने इतने छिलके निकाल दिए हैं और कुछ ये रहे। और ये कितने के अखरोट लेके आए, कितने रुपए किलो है यहाँ पे? कितने रुपए किलो है अखरोट? 300 रुपये किलो। 2 किलो लेके आ रखे हैं ये, तो ये देख सकते हो। और इनको छिलके निकाल देंगे और फिर मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आलू और पालक नीचे है तो पालक और थोड़ी हरी मिर्च भी काट के रख दी है। और यहाँ पे तेल हो रहा है गरम, तो मैं अब इसमें बेसन वगैरह मिलाती हूँ। अभी हमने चाय पकौड़े भी खा लिए हैं और पतिदेव भी चले गए हैं शॉप पे। तो अभी मैं घर का काम कुम कर रही हूँ और आज तो मैं किचन क्लीन कर रही हूँ अच्छे से, मतलब टाइल्स वगैरह साफ कर रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ किचन मैंने वैसे चमका दिया है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने पूरा खाली कर दिया है और यहाँ से साबुन से मतलब टाइल्स को अच्छे से साफ कर लिया पूरी। यहाँ पे भी वॉश बेसिन वगैरह साफ कर लिया और ये बर्तन वगैरह सब इधर रख दिए नीचे। और अभी मुझे झाड़ू पोछा करना है। अभी मैं सफाई वगैरह कर रही हूँ और लेडीज़ों का तो यही होता है, घर का काम यही होता है, झाड़ू पोछा, कभी चादर धो दी, कभी पर्दे धो दिए, कभी कुछ ऐसे बस काम पड़ जाता है। तो चलो अभी मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो अभी मेरी सफाई भी हो गई है और मैंने झाड़ू भी लगा दिया, अब पोछा लगाना बाकी है। और गुन्नू के लिए कुछ बनाती हूँ पहले। और हमारे इस दूध वाले ने ना हमें बहुत दुखी कर रखा है काफ़ी टाइम से, ये टाइम से दूध लेके नहीं आ रहा। तो मैं इसके पापा को भी फ़ोन कर रही हूँ कि उसको बोलो कि उनके पास है ना उसका नंबर, तो फ़ोन करके बोलेंगे कि तो आ रहा है कि नहीं। वन अरे यार उसको फ़ोन करो, दूध लेके आ रहा कि नहीं आ रहा। तो जब वो आएगा उससे क्लियर बात कर दो कि अब हम नहीं लेंगे तेरे से, तब जाके लगाएंगे ना। अभी कल कल आएगा तो उसके पैसे दे देना, फिर तब वो हो जाएगा क्या, दूसरी जगह लगाएंगे फिर। हाँ तो अभी अगर फोन कर लो पहले, आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके लिए है ही नहीं कुछ पीने के लिए कसम। तो मैंने गुन्नू को तैयार कर दिया है बब्बा बना के। हाय गुन्नू, गुन्नू हाय हाय। ये तो बस फोन फोन फोन, पता रात को ना 12 बजे तक फोन देखता रहता है। आजकल के बच्चे भी ना क्या बोलना था, और जब फोन मांगे ना सिर्फ इतना रोता है, इतना रोता है, बुरा मानता है कि मेरे से फोन मांग रहे हो। तो अभी अब मैं नहा जाती हूँ, मैंने पानी रखा है अपने लिए नहाने के लिए। तो पहले मैं नहा जाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों मेरा नहाना धोना हो गया है, ये देखो मेरा बेटा बेटी जैसा लग रहा है। हाय गुन्नू, कहाँ है ट्रैक्टर? अब ट्रैक्टर नहीं है,
चला बेटा। कहाँ है इसको? देखो ट्रैक्टर है बोलो वहाँ पे। कहाँ पे ट्रैक्टर? नहीं है बापू, उस दिन तो खेत में हल लग रहा था ना, तब था वो। हाय तो मामा मामा का, मामा नहीं, हाय कर दे, बोले हाय, बाय कर दे, बाय करो। ओ मेरे बाबू। तो दोस्तों अभी खाना बना रही हूँ मैं, फिर मुझे कपड़े भी धोने हैं, परेशान कर दूंगा। बहुत परेशान करता है मेरे को बहुत ज्यादा। चलो चलो। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मेरी दाल रखी है उड़द की दाल, उबाल लिख ले। और फिर मैं तो सीटी आ गई है, मैं वो एक दो सीटी और आने दूंगी फिर बंद कर दूंगी। और यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है, तो मैंने हरी सब्जी काट रखी है, प्याज के पत्ते और पालक के पत्ते थे थोड़े, तो ये है मिक्स सब्जी हरी, तो मैं इसको बनाती हूँ। अब इसमें पानी है ना, तो मैंने छलनी में काट रखी है, तो पानी नीचे आ जाएगा इसमें। अभी मैं सब्जी बना लेती हूँ और गुल्लब छत में जा रहा दादी के साथ। तो दोस्तों अभी मैंने खाना बना दिया है, कपड़े भी धो दिए हैं, और थोड़ी मैंने धूप भी सेकी, और धूप से क्या ऐसे लग रहा है जैसे नहाओ धूप में बैठो, तो ऐसा मन करता है कहीं पे सो जाना था, बस मन हो रहा था मेरा कि मैं धूप में ही सो जाऊँ। बट अभी मुझे गुन्नू को ना खाना खिलाना है, थोड़ा सा खाना ले आई मैं उसके लिए, वो आ रहा ही नहीं है, मैं कितनी बार बुला दिया उसे, आ रहा ही नहीं वो, तो अभी मैं तो उसे खिला देती थोड़ा। और अभी तो 1 बजे, तो गुन्नू के पापा भी आएंगे अभी, तब तक हम वेट करेंगे फिर खाएंगे खाना। और आजकल तो मतलब दिन छोटे हुए हैं, तो सोते भी नहीं हम दिन में, ऐसे थोड़ा आधा एक घंटा मतलब फ़ोन पे ऐसे लेटे रहते हैं, फ़ोन वगैरह चलाते रहते हैं। तो और अभी दोस्तों हमारा खाना पीना हो गया है, और ये भी आ गए हैं शॉप से, तो अभी गुन्नू तो सो रखा है। और कल से ना गुन्नू जल्दी सो जा रहा है, वरना 3 बजे से पहले नहीं सो रहा था वो कुछ दिनों से, आज वो 1 बजे ही सो गया था, कल भी 1 बजे सो गया था। तो थोड़ा जब वो सोया रहता तो हमें नींद नहीं आती है, जब वो मतलब जब उठा रहते तो हम बोलते यार ये कितना बिगड़ा है, सोने नहीं दे रहा, सोने नहीं दे रहा, तब हम उसको डांटते हैं, तब हमें नींद आती है। जैसे अभी सो रखा है तो हमें नींद नहीं आती, हम फोन चलाते रहते, टाइम कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। तो चलो आप वीडियो में बने रहो। अभी टाइम हो चुका है, शाम के बज चुके हैं 4:30, और हमने चाय पानी भी पी लिया है। अभी मैंने इस अलमारी से कपड़े निकाल रखे हैं, बहुत कपड़े अभी यहाँ पे, तो ये मैंने कपड़े निकाल रखे हैं, तो मैं इनकी थोड़ा मतलब इनको अच्छे से रख रही हूँ संभाल के, बिखर रखे थे मतलब जो कपड़ा निकाला तो वो नीचे वाले ख़राब हो गए उनकी तय वगैरह, तो मैं इनको फिर से ठीक से रख रही हूँ। जो पहनने वाले हैं उनको ही रखती हूँ, जो मतलब अभी पहने जाएंगे, वैसे ठंड हो गई है तो कुछ कुछ संभाल के रख देती हूँ मैं। तो अभी इतने तो मैंने रख दिए हैं, ये देखो इतने सारे कपड़े हो रखे, इतने सारे कपड़े, और ये दोनों सूट केस भी यहाँ पर भर रखे हैं कपड़ों से, उधर भी रखे हैं, उधर तो खैर चादर वगैरह है जो यूज होती है डेली वाली, बाकी तो बेड के अंदर है। और जो नए कपड़े हैं वो उस अलमारी में है, कपड़े कपड़े हो रखे हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते, और जब मतलब कपड़े ढूंढो तो कपड़ों में कपड़े 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 मिलते हैं, जो पहनने वाले नहीं होते, मतलब जिनको पहनने का मन नहीं करता वो तो कपड़े ज्यादा हो रखे हैं। ये देख सकते हो, मैंने गुन्नू का सूटकेस भी निकाल दिया, इसके कपड़े भी मैं ठीक से रख देती हूँ, मतलब जैसे इसके कपड़े निकालो ना छोटे अलग बड़े अलग, मतलब ऐसे करके तो ठीक रहता है, अलग अलग रख दो तो वो कोई नीचे कोई ऊपर हो रखा, तो जैसे नीचे को निकालो ऊपर वाला नीचे ऊपर हो जाता है, फिर गड़बड़ हो जाता है सारे कपड़े। पहले मैं उनको सेट कर लेती हूँ अच्छे से। अभी ना मैंने कपड़े रख दिए सेट करके, और अभी तो सेट करके रख दिए, एक दो दिन में ही, दो दिन में क्या कल ही ये बिखर बिखर के आराम हो जाएगा। इसका सलवार भी सर सलवार कोई कोई कहीं कोई कहीं सब एक साथ। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, हमने ना फोटो खींची थी धारी देवी में, तो वो दिखाती हूँ आपको। मैं यहाँ अलमारी में मतलब कपड़े निकाले ना तो वहाँ रखी हुई थी, तो आपको दिखाती हूँ मैं एक बार। ठंडी ठंडी हवा चली ही अपना गो प्यारी चली पुरवाई खेत
बाय।